welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing right now some tricks and techniques for a small kids, like the kids of class, the students of class 10, 9 and also 11, those who want to prepare for competitive examination. It is also useful for those who are preparing for IIT and all, because this type of questions may be asked in IIT main and other examination as well. So what is the tricks to solve a question? Long question can be solved in short way, just in seconds only. Those which can be solved by other way in 4-5 minutes. How to deal with that type of questions? Let me discuss some questions today. आज की क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे एक क्वेश्चन हो इस तरह का 5 + √6 ये लिखा है सॉल्व क्वेश्चन और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x² - 3 + 5 - √6 x² - 3 = 10। ये क्वेश्चन देखकर अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूटने लग जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि हम कहां से प्रोसीड करें और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। यूजुअली अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो समझ लीजिए कि अगर शॉर्टकट नहीं आता तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है कंपटीशन के दौरान, क्योंकि फंडामेंटल मेथड से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है और शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, पहले शॉर्टकट बताते हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको सॉल्व कंसेप्चुअली कैसे करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और कंडीशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन ये है कि ये दोनों एक इरेशनल फंक्शन जो है वो एक दूसरे का कंजुगेट होना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। 5 + √6 5 - √6 को मल्टीप्लाई करें a + b a - b तो क्या मिलता है a² - b² मिलेगा और ये कितना हो जाएगा 25 - 24 और ये हो गया 1, यानी दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए और RHS में दोनों का सम दिया होना चाहिए। अगर इन दोनों को सम करें तो कितना हो जाएगा 5 + √6 + 5 - √6 ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 10। ऐसा क्वेश्चंस अगर हो तो आप ये कंडीशन है जो आपने फटाफट चेक हो जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओरली चेक हो जाएगा। और ऐसा अगर हो तो ये पावर जो है उसको आप +-1 पुट कर दें, आंसर निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि x² - 3 = एक बार 1 पुट करें और एक बार -1, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा 3 + -1 यानी x² = 4 और x² = 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई +-2 और +-√2, तो ये चार सॉल्यूशन हो गए +-2 + -√2। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन कुछ और हो जैसे देखिए 2 - √3 ये लिखा है x² - 5x + 5 कुछ इस तरह का और +2 - √3 x² - 5x + 5 = 4 लिखा है। यहां में देखिए 2 + -√3 और 2 + √3 प्रोडक्ट करने से क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 2 + √3 और 2 - √3 एक दूसरे का कंजुगेट है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1 हो जाएगा और सम करने पर 4 है। इसका मतलब पावर को इक्वेट कर सकते हैं +-1 के बराबर x² + 5x + 4 = 0 और x² + 5x - 5x + 6 = 0। इससे आपका आ जाएगा x + 4 और x + 1 दो फैक्टर हो गए -5। सो व्हाट विल हैपन, क्वाड्रेटिक से आप इसे निकाल सकते हैं x = 5 + √25 - 16 राइट 5 का स्क्वायर 25 4 = 16 अपॉन 2a, a का मतलब 1, तो 5 + - कितना हो जाएगा 25 - 16 = 9 9 का स्क्वायर रूट 3 / 2
इसका मतलब हो गया एक 4 और एक 1, एक वैल्यू आ गई 4, 5, 3, 8 by 2, 4, और एक 5 minus 3, 2 by 2, 1. मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते थे, जैसे हम यहाँ करना चाहते हैं, x minus 2, x minus 3 is equal to 0, x is equal to 2 और 3, यानी सॉल्यूशन हो गए 1, 2, 3, 4, चार आंसर इसके आ गए, और ये चारों आंसर क्या हो गए, सॉल्यूशन. तो इस सब क्वेश्चंस को, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस जो इस तरह से दिए जाते हैं, उन सबको सॉल्व करने का तरीका यही है. जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, और फिर हम बताते हैं कि इसको कंसेप्चुअली कैसे सॉल्व करेंगे. 7 plus 4 root 3 to the power x square minus 15, और यहाँ पे 7 minus 4 root 3 whole to the power x square minus 15 is equal to 14. क्या करना चाहिए यार? पावर को क्या करना चाहिए? प्लस माइनस 1, यानी पुट x square minus 15 is equal to plus minus 1, that is x square is equal to 16 और x square is equal to 14, means x is equal to either plus minus 4 or plus minus root 14. फोर्थ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है? अब इस सवाल को आम लोग कैसे करते हैं? समझने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं. जरा क्वेश्चन करें, हम ये लिखते हैं कि we have 5 plus 2 root 6 into 5 minus 2 root 6 is equal to क्या आ गया? 1. यानी 5 minus 2 root 6 को हम लिख सकते हैं 1 upon 5 plus 2 root 6. बोल, दो चीज का प्रोडक्ट 1 है, AB is equal to 1, then A and B are reciprocal of each other. ठीक है? A and B are reciprocal of each other. A minus B, और ये एक चीज, दो A है, B है. AB का product 1, A is equal to 1 by B. अब power दोनों तरफ, अगर मैं ऐसा कर दूं, 5 minus 2 root 6 to the power x square minus 3. इधर भी power, 1 का power कुछ भी करेंगे, वही रहेगा, जैसा आपको पता है. 5 plus 2 root 6 to the power x square minus 3. आप एक चीज को, इसको y पुट कर लें, पुट कर लिया हमने 5 plus 2 root 6 to the power x square minus 3 is equal to y. तो 5 minus 2 root 6 x square minus 3 को क्या पुट करना पड़ेगा? 1 by y. इसका मतलब ये चीज 1 by y के बराबर है और ये चीज खुद y के बराबर है. The given expression will come like will be what, एक इसके बदले हमने put कर लिया y और इसके बदले 1 by y और ये हो गया 10 के बराबर. y square plus 1 is equal to 10y होगा. LCM लेने के बाद y square minus 10y plus 1 is equal to 0 और y is equal to क्या क्या आएगा? minus b. आपको पता है ना quadratic formula, ax square plus bx plus c is equal to 0 होता है, तो x is equal to होता है formula minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. इसी का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे a के जगह पे क्या है? 1. b के जगह पे क्या है? minus 10. c के जगह पे क्या है? 1. तो y ऐसे निकल जाएगा, minus of minus 10, that is plus 10, plus minus root under b square, यानी 10 square 100, minus 4 into 1 into 1 upon 2 into 1. 100 minus 4, 96. 100 minus 4 is 96. And 96 can be written as what? 16 into 6. Can I write 96 16 into 6? Yes. Yes. So what will happen? Y is equal to, I got 10 plus minus
रूट अंडर 96 को 16 इंटू 6 लिख सकते हैं, नीचे 2 है, दैट इज 10 प्लस माइनस 16 विल कम आउटसाइड 4 रूट 6 डिवाइडेड बाय 2. इफ वी टेक 2 कॉमन एंड डिवाइड दिस वन, दिस विल रिमेन 5 प्लस माइनस 2 रूट 6. ये आ गया y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2 रूट 6. अब दो कंडीशन बन गई, when y is equal to 5 plus 2 root 6, और y है क्या, इसको माना था आपने y, 5 plus 2 root 6 to the power x square minus 3 को यूं किया था, तो ये हो गया 5 plus 2 root 6 के बराबर, इसका पावर क्या है 1. बेस अगर सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो x square minus 3 is equal to 1, this employee x square is equal to 4 and this employee x is equal to plus minus 2. Second case, when y is equal to 5 minus 2 root 6, 5 minus 2 root 6 can be written as 1 plus 1 upon 5 plus 2 root 6, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, conjugate. अभी हमने सीखा था कि 5 plus 2 root 6 into 5 minus 2 root 6 दोनों मिलके क्या होते हैं, 1. तो इसलिए ये 5 minus 2 root 6 को 1 upon 5 plus 2 root 6 लिखा जा सकता है, ये पहले भी लिखा था. और y क्या है हमने माना है, 5 plus 2 root 6 to the power x square minus 3. ये power नीचे कितना है, 1, ऊपर जाके क्या होगा, minus 1, तो ये हो गया minus 1. यानी एक बार, अभी भी base सेम है, power को equate कर सकते हैं, x square is equal to 2 and x is equal to plus minus root 2. इसका अर्थ हुआ कि दो solution यहां से मिल गया, दो सॉल्यूशन यहां से मिल गया, इसलिए सॉल्यूशन सेट में कितने सॉल्यूशन हो गए, सॉल्यूशन सेट में 4 सॉल्यूशन आ गए, क्या, प्लस माइनस √2 एंड प्लस माइनस 2, ये सॉल्यूशन सेट हो गया. इसी बात को इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन ना करते हुए हमने सजेशन दिया कि आप क्या करें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सजेशन इज दिस, व्हाट टू डू, कि आप जो भी पावर हो उसको प्लस माइनस 1 पुट करें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 एंड प्लस माइनस 2. सो इस तरह से फटाफट सॉल्यूशन आ जाएगा, जो करने में ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 सेकंड लगेंगे, है ना, जो क्वेश्चन करने से 3 से 5 मिनट लगते हैं वो करने में 3 से 5 मिनट लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे. आई होप इससे आपको काफी फायदा होगा, आप एंजॉय करोगे और आप क्वेश्चन कर पाओगे. इसी तरह से अगर ज्यादा ट्रिक्स के लिए हमारे वीडियो देखते रहें. थैंक यू वेरी मच.